देश के जाने माने और बिहार के चर्चित टीचर खान सर का कोचिंग क्लास है और आज कोचिंग क्लास के इस गलियारे में सुनसान पड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना, पटना का मुसल्लपुर हाट और मुसल्लपुर हाट का किसान कोल्ड स्टोरेज। किसान कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर शिक्षकों का भरमार है, यहाँ पर कोचिंग सेंटर का भरमार है और यहाँ पर देश के जाने माने और बिहार के चर्चित टीचर खान सर का कोचिंग क्लास है और आज कोचिंग क्लास के इस गलियारे में सुनसान पड़ा हुआ है। सुनसान पड़ने की वजह क्या है ये भी बताएंगे और आम तौर पर आम दिनों में इस गली में सुबह से लेकर के 10-11 बजे रात तक छात्रों छात्राओं की भीड़ लगी रहती थी, हुजूम लगा रहता था। लेकिन आज का दिन, आज दोपहर है, आज कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं और घूम करके चले जा रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है देश की राजधानी दिल्ली का वो इलाका मुखर्जी नगर, जहां पर एक रॉक कोचिंग सेंटर में 3 छात्र बेसमेंट में डूब जाने से, यानी पानी में डूब जाने से मौत हो गई और इस मौत पर पूरे देश में बवाल हुआ और बवाल के बाद कोचिंग सेंटर के व्यवस्था पर सवाल उठने लगा और इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और बिहार की राजधानी पटना, पटना का मुसल्लपुर हाट बाज़ार समिति जो कोचिंग सेंटर का हब कहा जाता है और खान सर उस हब के सबसे बड़े मास्टर कहे जाते हैं, उस गली में है, किसान कोल्ड स्टोरेज में है। हम आपको उस गली का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये रास्ता है खान सर के क्लास जाने का, ये रास्ता है। हम आपको अगर दिखाएं तो कोल्ड स्टोरेज का ये रास्ता है, जब आप मुसल्लपुर हाट आते हैं तो ये रास्ता रहा और इसी रास्ते से अंदर आप प्रवेश करते हैं। फिर आपको नज़र आता है एक बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर में साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर में सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है एक लाइन से लगी हुई, वो है खान जी एस का। खान सर बिहार के देश के प्रसिद्ध चर्चित टीचर में से एक हैं। उसी कोचिंग क्लास के नीचे हम मौजूद हैं। हम बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी पूरे देश में छात्रों को लेकर के जो बवाल चल रहा है। 3 छात्रों की मौत हो गई है, तालाब में डूबने से नहीं, नदी में डूबने से नहीं, समुद्र में डूबने से नहीं, एक बेसमेंट में पानी भर जाने से डूब गए तीनों छात्र। का भविष्य अधर में लटक गया, वो उनकी जान चली गई। उनके माता पिता ने एक सपना सजो करके देश की राजधानी दिल्ली में भेजा था, बेटा आईएएस बनेगा, बेटी आईएएस बनेगी, लेकिन उनका लाश कोचिंग सेंटर से निकलता है। तो ये तमाम नज़ारे हैं, तमाम माजरा है और इसको लेकर के अब देखिए बिहार में भी कई कोचिंग सेंटर को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, प्रशासन के द्वारा चेक किया जा रहा है उसके अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोटोकॉल्स है, जो बिहार सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से प्रोटोकॉल दिया गया है, वो नियम व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, फायर एग्जिट है कि नहीं है, अगर कोई किसी तरीके का घटना होता है, हताहत होता है तो निकलने के लिए कितने गेट हैं, अब मेन गेट क्या है, कितना लंबा है, कितने छात्रों की संख्या है पढ़ने की और कितने छात्र वहाँ पर मजबूरी में पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं देखा गया। कल SDM पटना के SDM आए थे तमाम कोचिंग सेंटर में, उन्होंने उसका मुआयना किया। उसके बाद शाम होते होते पटना के जो DM है चंद्रशेखर, उन्होंने तमाम कोचिंग सेंटर्स के टीचर के साथ, शिक्षक के साथ, मालिक के साथ एक बड़ी बैठक की है। बैठक में कहा जा रहा है कि खान सर नहीं पहुँचे थे, जिसके बाद खान कोचिंग सेंटर जो है वो लगभग अभी बंद हो गया है। कितने दिनों तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। हम आपको उस बिल्डिंग का नज़ारा दिखा रहे हैं। एक देखिए खान आप दिख रहा होगा बिल्डिंग में आपको, खान GS और खान लाइब्रेरी है, खान GS हॉल नंबर 2 है, खान GS सर ऑफिशियल है। तो एक लंबा चौड़ा बिल्डिंग आप देख रहे हैं, लंबा से बिल्डिंग, उसमें सजा हुआ पूरा नेम प्लेट है और वो नज़ारा है और हमारे पीछे ये रास्ता है। इसी रास्ते से बच्चे ऊपर जाते हैं, हम उस रास्ता का आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, यही वो रास्ता है। इसी रास्ते से बच्चे ऊपर जाते हैं और लाइब्रेरी में जाना हो, कोचिंग क्लास में जाना हो, GS सेंटर में जाना हो, यही वो रास्ता है। यहाँ पर अभी 1-2 कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो बच्चे आते हैं उनको बताया जाता है कोचिंग अभी बंद है, कब तक बंद है ये किसी को नहीं पता है, सोमवार को आकर के पूछने के लिए कहा जाता है। अभी आधिकारिक तौर पर ना तो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ना ही खान सर की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन अब मुस्तैदी इस मामले में दिखा रही है, हर कोचिंग सेंटर का मुआयना कर रही है। लेकिन प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है, जब पटना में इतने सालों से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं,
तो इनकी आंख बंद थी। देश की राजधानी दिल्ली में एक घटना घटी, सभी की नींद खुली, सभी की नींद उड़ी कि अब कोचिंग सेंटर जा करके पता लगाना चाहिए, मुआयना करना चाहिए। इससे पहले सभी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के बिहार की राजधानी पटना के प्रशासन कानों में तेल डाल करके आंखों में नींद आ गई थी उनको, लेकिन बहरहाल जब जागे तभी सवेरा वाला हाल है। अभी घटना हुई है, अभी लोग जागे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो गेट है खान सर का, इसी गेट से ऊपर जाते हैं। अभी हमें परमिशन नहीं ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर जा करके दिखाएंगे बाद में कितने बड़ा क्लासरूम है, कितने छात्र पढ़ते हैं। लेकिन इतना तो हमें पता है, जो जानकारी हमें मिली है, संख्या कम लेकिन बच्चे पढ़ते हैं दो गुना से तीन गुना। सर कई बार वीडियो में भी कह चुके हैं कि हमारी मजबूरी है, उनको हम भगा नहीं सकते हैं, 100 बच्चे का बेंच पर बैठने का, लेकिन 200-300 बच्चे आ जाते हैं, हम उनको भगाना नहीं चाहते हैं, भगाएंगे कैसे। लेकिन ये सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस व्यवस्था में घटनाएं भी हो जाती है, घटनाएं हो जाती है तो फिर जवाबदेही भी तय करना पड़ता है, जवाबदेही किसकी है। जैसे दिल्ली के बड़े संस्थान में IAS जहाँ बनाया जाता है, IAS का हब जहाँ पर है मुखर्जी नगर, वहाँ पर 3 छात्रों की मौत हो जाती है, तो सवाल तो उठता है, व्यवस्था पर सवाल उठता है, प्रशासन पर सवाल उठता है। ऐसे में आप देखना है ये खान कोचिंग सेंटर कब जाकर के खुलता है। बोरिंग रोड स्थित जो वहाँ पर कोचिंग सेंटर है वो भी खान सर का बंद हो गया है, और किसान कोल्ड स्टोरेज जो भिकना पहाड़ी में है, बाज़ार समिति में है, माफ कीजिएगा, भिकना पहाड़ी में है, मुसलापुर हाट स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज में, वो भी अभी बंद है। फिलहाल कब खुलेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है।